कोरिया जिला कोयलांचल नगरी कहलाता है, जहां काला कारोबार भी तेजी से फल फूल रहा है। खदान के अलावा भी अवैध खदान संचालित हो रही है। वन क्षेत्र में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर सुरगुनमा गुफा बनाकर अवैध कोयला निकाल रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष खदान में दबकर किसी न किसी की मृत्यु हो जा रही है। 3 दिन पहले एक 20 वर्षीय युवक अवैध कोयले की खदान की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। कोरिया जिले में बरसात खत्म होते ही कोयला तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को चंद पैसे के लालच देकर उनको मौत के मुंह में धकेलने से बाज नहीं आ रहे। उन चंद पैसों से युवा नशे का आदि हो रहा है। दुष्परिणाम में चोरी के अलावा क्राइम भी बढ़ रहा है। कोयला तस्कर इनसे कोयला सस्ते दामों में खरीदकर मोटी रकम में अन्य क्षेत्रों में कोयला सप्लाई करते हैं। हाल ही में थाना पटना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व ग्राम पुटा के एक 20 वर्षीय युवक की कोयले में दबकर पुनः मौत हो गई। प्रतिवर्ष ऐसी घटनाएं घट रही है, जिसमें ना तो जिम्मेदार विभाग ध्यान दे रहा है, ना खुद इन बेरोजगार परिवार के मुखिया। बता दें कि जिला मुख्यालय के आसपास कालरी क्षेत्र, कटकोना, पंडोपारा, चर्चा, झिलमिल में कालरी के चिन्हित क्षेत्र के अलावा वन भूमि में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जहां ग्रामीण अपने रोजी रोटी के लिए इन वन भूमि पर खतरनाक सुरंग बनाकर अवैध कोयला निकालने का काम करते हैं। यहां पर पुलिस विभाग, खनिज विभाग, SECL अनुविभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोयला तस्कर और राजनीतिक तालमेल के सामने सब नतमस्तक है, मौन रहना ही उचित समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई युवकों की मौत हो चुकी है। हमारे फॉरेस्ट एरिया में बहुत कम खदान है इस तरह के, लेकिन जैसे ही हम लोग को सूचना मिलती है कि कोई खदान अवैध तरीके से संचालित है, उस खदान को हम लोग SECL को लेकर करके उस खदान को बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण है आसपास जो इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों को भी समझाइश दी जाती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को इन कामों में अवैध तरीके से कोयला निकालने में की ओर ना धकेले, पैसे का लालच लेकर के इस जगह पे ना भेजे, क्योंकि ये खतरनाक जगह होता है, कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया जाता है। और कोयला खनन के अंदर बहुत लंबी चौड़ी जो गुफा रहती है उसके अंदर ये घुस जाते हैं, और कभी भी इस तरह की दुर्घटना का सामना किया जा सकता है, जिसमें परिवार के सदस्य को खोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ना तो उनका मुआवजा का कोई बन पाता है। तो दिक्कत यह है कि लोग बाग अगर इसमें जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, इसमें जागरूक होंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त जो फॉरेस्ट एरिया से कोयला निकलता है उस पर भी हम वन विभाग की जो अधिनियम है 1927 की धाराओं के अधीन इसमें कार्यवाही करते हैं। लगातार वन संपदा का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां से बहुत बड़ी मात्रा पर और बहुत बड़ी खेप पर वहां पर अवैध कोयले का उत्पादन करके बेचा जा रहा है, इसे किस प्रकार इस कार्यवाही पर करेंगे और कैसे रोक लगा पाएंगे आप लोग? इसका तो मुहाड़ा जो रहता है इसको बंद कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह का परिवहन इसमें नहीं किया जाए। कैसी कार्यवाही की जाएगी भविष्य? ब्लास्ट करके इसको बंद कर दिया जाता है, इसका मुहाड़ा बंद कर दिया जाता है पूरी तरह से, वो जहां से इनका प्रवेश किया जाता है प्रवेश द्वार ही बंद कर दिया जाता है, जिसे अंदर किसी भी रूप में नहीं जाया जा सकता। परसों की घटना में एक व्यक्ति की अवैध कोयले के उत्खनन में मृत्यु हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप ही से जानकारी मिल रही है। 6:30 बजे शाम को एक हॉस्पिटल में व्यक्ति को इलाज दिलाया गया था। इलाज दौरान बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाद में उनके परिजनों द्वारा पता चला कि वो व्यक्ति एक जाम घाट डॉम डबरा करके एक जगह है, जहाँ से अवैध रूप से कोयले का उत्खनन ग्रामीण द्वारा किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति गया था। और वहीं जो है इसकी कोयले से खान से दबने से, चट्टान से दबने से इसकी कैजुअलिटी इसको हुई थी, और इसको हॉस्पिटल लाते समय इसकी मृत्यु हुई, ऐसा इनके परिजनों द्वारा बताया गया है। जाँच की जा रही है कि वो कोयला चोरी करने के उद्देश्य से गया था कि और अन्य किस कारण से गया था, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। सर, वहाँ की लगातार शिकायतें आ रही कि अवैध उत्खनन जो है कोयला का कर किया जा रहा है, ऐसा हादसा अंदर ना हो, इसलिए मतलब पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगी? हमने अपने स्तर पे एक लेटर और DFO को एक पत्र प्रेषित किए हैं, इस तरह से जो अवैध जितने भी इलीगल जो खदानें जिसको ग्रामीण द्वारा खोद करके कोयला निकाला जा रहा है, उन खदानों को या उन जगहों को शासन अपने स्तर पर बंद कराए। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।